हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास का केमिस्ट्री से होगा और चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हम उनको अपनी डेली लाइफ में लगातार यूज करते हैं। मेटल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, दीज आर मेटल्स जो कि हम जनरली अपनी गोल्ड सिल्वर लाइफ में यूज करते रहते हैं। इन्हीं को डिस्कस करना है कि कौन हमारे लिए कहाँ यूजफुल है, कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर पहली ही बात करूं तो मेटालिक लस्टर होती है। क्या होती है? मेटालिक लस्टर। क्या प्रेजेंट होती है? मेटालिक लस्टर। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, किसकी बात करें? नॉन मेटल की, तो नो मेटालिक लस्टर, इनके अंदर कोई मेटालिक लस्टर नहीं होती है। तो मेटालिक लस्टर होती है, मेटालिक लस्टर का मतलब क्या समझे कि उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, उसमें चमक होती है। तो ऐसी जितनी भी सब्सटेंस है वो सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। और जिनकी सरफेस क्या नहीं होती? शाइनिंग सरफेस नहीं होती, मींस उनके अंदर लस्टर नहीं होती। लस्टर मींस साइन, लस्टर मींस क्या होता है? साइन। तो इसका मतलब उनके अंदर चमक नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन मेटालिक लस्टर। उसके अंदर कोई भी चमक नहीं है तो वो सब्सटेंस क्या होगा हमारा? नॉन मेटल होगा। जिसके अंदर चमक होगी वो हमारा क्या होगा? मेटल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? मैलिएबिलिटी। क्या है? मैलिएबिलिटी। अगर मैं मैलिएबिलिटी की बात करूं तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? बिटवीन इनटू थिन शीट्स मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लगातार पीटते जा रहे हैं, बीट करते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे किसमें बदल जाए? एक पतली चादर में बदल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। और हमारे जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं। इनको हम बार बार पीट कर थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैलिएबल। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मैलिएबल। इनको जैसे ही हम पीटना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हमारे जो मेटल्स हैं उनके अंदर क्या होती है? मैलिएबिलिटी होती है। मैलिएबिलिटी क्या होती है? लगातार पीटने पर, बीट करने पर जब कोई सब्सटेंस थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी। और जो सब्सटेंस है वो क्या होगा? मैलिएबल होगा। क्या होगा? मैलिएबल। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल आर गोल्ड एंड सिल्वर। जो हमारे मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। कौन कौन से होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की, वो क्या है? डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है वो समझिए। क्या होता है? ऑन स्ट्रेचिंग इट कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। कोई सब्सटेंस जब उसको हम लगातार ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेचिंग की जगह आप ड्रॉन भी लिख सकते हो, क्या करते हैं? खींचते हैं, ड्रॉन करते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पतली पतली तारों में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो हमारे जो मेटल है वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल। और हमारे जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। जब हम इनको खींचते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं।
डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो मेटल है वो क्या होंगे, डक्टाइल, और जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। जो मोस्ट डक्टाइल, अगर हमसे कोई मेटल पूछे, मोस्ट डक्टाइल अगर हमसे कोई मेटल पूछे तो वो क्या होता है भाई, गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। देखो दो बातें पढ़ी हमने, क्या पढ़ी कि जो मैलिएबल है वो मोस्ट मैलिएबल कौन सा होता है, गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट मैलिएबल कौन सा होता है, गोल्ड एंड सिल्वर। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मोस्ट डक्टाइल कौन सा होता है, मोस्ट डक्टाइल कौन सा होता है, गोल्ड। कौन सा होता है, गोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार मेरे चैनल पर बने रहें, मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या है, सोनरस। फोर्थ क्या है, सोनरस। अब ये सोनरस क्या होता है भाई, जो सब्सटेंस साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, वो क्या होगा, सोनरस। अब एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे स्कूल वगैरह में जो बेल लगी होती है उस पे मेटल की सरफेस पे मेटल को ही क्या किया जाता है, स्ट्राइक, और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमें पता लग जाता है कि अब ये फर्स्ट पीरियड है, अब ये सेकंड पीरियड है, अब ये थर्ड पीरियड है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं मेटल वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। हमारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन सोनरस। कैसे होते हैं, नॉन सोनरस, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद है फिफ्थ, जितने भी मेटल्स हैं सारे क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन, आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर रूम टेम्परेचर पर सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं, लेकिन हमारा जो मरकरी है वो सिर्फ किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत, यहां से जो मैंने लिखा है कि मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट डक्टाइल और लिक्विड, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा सॉलिड लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। वैसे तो हमें पता है सारे सॉलिड होते हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेकिन मरकरी क्या होता है, लिक्विड। अब बात आती है किन की, नॉन मेटल्स की। तो ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्ट ब्रोमीन इज लिक्विड। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया कि हमारे जो मेटल्स हैं सारे क्या होते हैं, सॉलिड, किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। अब बात आती है कि जितने भी मेटल्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी हमारे मेटल्स हैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। लेकिन इसमें भी कोई एक्सेप्शन है, क्योंकि साइंस के अंदर एक्सेप्शन देखने को बहुत मिलती है। लेकिन गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इतना लो होता है
कि अगर हम आप इसको अपनी हथेली पे रखो ना तो भी ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो देख लो कितना लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आयरन का कितना हाई होता है कि हम उसको हीट भी कर लेते हैं लेकिन वो तब भी क्या नहीं होता मेल्ट, बहुत ज्यादा हीट, इतना हीट करते हैं कि रेड हॉट, और तब उसको ऊपर से पीटते तब जाके वो मेल्ट होता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। लेकिन ये भी मेटल्स हैं, गैलियम और सीजियम, लेकिन ये इतने लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं कि अगर हम इसको अपनी हथेली पे रखें, अपने पाम पे रखें, तो भी ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो सोचो जो हमारा क्या है, गैलियम और सीजियम है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, लो होता है। अब हमने बात की थी भाई, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर लश्चर नहीं होती, लेकिन आयोडीन ऐसा है जिसके अंदर क्या होती है, लश्चर होती है। क्या होती है? लश्चर। ये क्या है, एक एक्सेप्शन केस, अपवाद है इसके अंदर, कि आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी उसके अंदर क्या होती है, लश्चर। बल्कि हम जनरली उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कोई लश्चर नहीं होती, लेकिन एक आयोडीन है जिसकी क्या होती है, लश्चर होती है। उसके बाद कुछ अल्कली मेटल्स हैं, कुछ अल्कली मेटल्स हैं। तो कुछ जो अल्कली मेटल्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं, आप जनरली तो मैं कहूं कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ अल्कली मेटल हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट हैं, ये कैसे हैं, सॉफ्ट, कि हम इसको किससे कट कर सकते हैं, नाइफ से। किससे कट कर सकते हैं, चाकू से। अब आयरन को तो हम काट नहीं सकते चाकू से, लेकिन ये तीन मेटल कौन कौन से, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको जनरली क्या कर सकते हैं, किसी भी नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। अब ये इतने सॉफ्ट हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई क्या होगा, सॉरी लो क्या होगा, डेंसिटी। डेंसिटी भी क्या होती है, लो, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। ये किस कारण से हुआ, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब बात आई कि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। अगर मैं किसकी बात करूं, कंडक्टेंस की बात करूं, तो सभी मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ क्या होंगे, कम भी कंडक्टिविटी करेंगे। तो अगर गुड कंडक्टर आपसे कोई पूछता है तो क्या है, कॉपर और सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, कॉपर और सिल्वर। लेकिन अगर यहीं से आपसे कोई पूछ ले कि बैड कंडक्टर क्या होंगे, तो बैड कंडक्टर बता दिया जाए आपको, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर क्या होंगे, लेड और मरकरी, क्या होंगे, लेड और मरकरी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। कंडक्टेंस तो करते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं करते जितनी अच्छी कौन करता है, कॉपर और सिल्वर करता है, कौन करता है, कॉपर और सिल्वर। तो एक लास्ट हमारा इवेंट जो बचा है इसमें, वो देख लीजिए। अभी बताया कि हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो कंडक्टेंस नहीं करते, लेकिन जो कार्बन है, कार्बन, कार्बन क्या होता है, एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि डायमंड, और सेकंड क्या है, ग्रेफाइट, सेकंड क्या है, ग्रेफाइट, सेकंड हमारी क्या है, ग्रेफाइट। अब सीधी बात है, नॉन मेटल है तो कंडक्टेंस की तो बात ही नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टेंस करवाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। और डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है नेचर का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस का नाम बताइए, तो वो क्या होता है, डायमंड। तो स्टूडेंट्स,
ये हमने कुछ जर्नली नॉन मेटल और मेटल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे और पूरे तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट हमने आज डिस्कस किया है, यहां से बहुत क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, क्योंकि हर केस में हमने ये देखा है कि बहुत एक्सेप्शन केस हैं और उन्हीं को क्या किया जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।